बेटी जरा मेरे पास तो आना, कितने समय से तुम्हें नहीं देखा। पता है कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा। आखिर तुम इस लॉकअप में क्यों बंद हो? तुमने किसे मारा था? यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनों की नजर से बच के आना पड़ा है। जरा पास तो आओ बेटी, तुम्हें ये चंदन लगा दूँ। कौन? डॉक्टर एम के नायर, मूलदत्त कन्ना नायर, साइकेट्री डिपार्टमेंट, त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज। सरकार के निर्देशानुसार मुझे इस जगह की जांच के लिए भेजा गया है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं सर, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे, कब और कहाँ? इस क्षेत्र में आपको कौन नहीं जानता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं समझा नहीं मैडम, तुम हमें कैसे जानती हो? मैं रेणुका हूँ, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हर जगह ऐसा एक शख्स होता ही है। डॉक्टर कहाँ है? आइए सर, ऑफिस में चलिए। कमलांटी मर गई मैडम, कमलांटी मर गई, मर गई क्या कमलांटी? मर गई। हे जीवन, प्लेजर मीटिंग यू मैन। सर ये एक पेशेंट है, मैं जरा इसे हैंडल करती हूँ। ये कौन है, इनके बारे में बताया नहीं मैडम आपने, ये कौन है वो? चलो जल्दी। हे तुम यहाँ किस काम से आए हो? अच्छा होगा खुद ही चले जाओ। नहीं गया तो? मार दूंगी, मार कर दफना दूंगी। ये बात नोट कर लो, बस 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं। मुझे तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है, तुम जल्दी ही मरने वाले हो। जिस मकसद से तुम यहां पर आए हो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, जल्दी ही तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। सॉरी डॉक्टर, चलिए। हे भगवान, हवेली इतनी बड़ी है लेकिन रास्ता इतना पतला, और इन रास्तों से बस मुझे ही गुजरना पड़ता है, और पता नहीं मुझे कब तक ये करना पड़ेगा। अरे अब ये किसने खुला छोड़ दिया? पता नहीं कौन आया होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आज जांच करने के लिए ऐसा क्या है, एक आता और एक चला जाता है। लेकिन जो भी आता है उसका फायदा तो होता ही है, उसे जी भर के अंग्रेजी पीने को मिलती है, अच्छा खाना खा कर जाता है वो। अरे ये दरवाजा भी खुला छोड़ दिया, ये सब भी मुझे ही करना है। 4-5 महीने में एक ना एक तो आ ही जाता है, और इस बार ये आया है त्रिवेंद्र मेडिकल कॉलेज से। पता नहीं ये क्या जांच करने वाला है, भगवान ही जाने भाई। और अब ये देखो हाँ, वो भी खुला था और ये भी खुला पड़ा है, पता नहीं कौन खोल देता है। पता नहीं यहाँ के लोग इतने लापरवाह क्यों हैं। लंबा सफर, परेशानी का असर। हाँ
वैसे वो यहाँ क्यों आया होगा? शकल सूरत से तो देखने में वो सीधा साधा नहीं लगता। वैसे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चोर उचक्का हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ लगती है मुझे। क्या सच में उसकी वजह से कोई परेशानी? अरे वो खतरनाक निकला तो? अगर ऐसा हुआ तो मैडम को बताना होगा। अरे रे 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 रे। मैडम मैडम कहाँ हो मैडम? पता नहीं कहाँ चलेगी, एन मौके पे पता नहीं कहाँ चली जाती है। मैडम एक जरूरी बात है मैडम 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 कहाँ थे तुम अब तक? अरे मैं कहाँ जा सकता हूँ मैडम, त्रिवेंद्र मेडिकल कॉलेज से एक आदमी आ रहा है यहाँ जांच करने के लिए और मुझे वो फ्रॉड लग रहा था मैडम। अरे आप मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रही हैं? अरे वो आदमी कभी भी पहुँचने वाला होगा। हे भगवान, अगर वो अभी के भी यहाँ पहुँच गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा मैडम। वो जरूर इस हॉस्पिटल को बंद करने की फिराक में आ रहा है मैडम। तुम चुप करोगे? कौन? वो आदमी अंदर ही है। ऐसे लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं? अरे बाप रे, तो इसने तो सब कुछ सुन लिया। मेरी काली जबान पर कब लगाम लगेगी ऊपर वाले? बेंजामिन डाइस। ये सब देखकर धोखा मत खा जाना डॉक्टर, ये वो नहीं है जो हम यहां करते हैं। बेंजामिन ड्रायस, क्या आप यहां शॉक ट्रीटमेंट नहीं देते? एक्चुअली आई एम नॉट अगेंस्ट ईसीटी, लेकिन मैं ये सब नहीं करता। दरअसल मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। तो तरीका क्या है आपका? डॉक्टर नायर, जिंदगी की कुछ कठिन वास्तविकताओं का सामना करने में जो लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं उनको यहां रखा जाता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी उन्हें घर पर रखने से घबराते हैं और उन्हें मेरे हवाले कर देते हैं। Of course, they are filthy rich. They dump money on them. And I built this a home for the mind. मैं समझा नहीं। Only an insane mind can understand another insane mind, isn't it? यहाँ रहने वाले सिर्फ मरीज नहीं हैं। They are my family. कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो उनके दिमाग से नहीं निकाले जा सकते। यही उनकी इस हालत की खास वजह होती है। अगर वो पहलू मिटाए जा सके तो सब आसान हो जाता है। सो आई रेज द पास्ट। तो आपका तरीका यही है डॉक्टर, इरेज द पास्ट? इट वर्क्स डॉक्टर, हिप्नोथेरेपी के जरिए किया जा सकता है। डॉक्टर, मेस्मर द्वारा शुरू की गई 16वीं शताब्दी की एक भ्रमपूर्ण कला को अवैज्ञानिक रूप से लिखा लेकिन उसे कूड़े में फेंकवा दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यस आई नो, लेकिन 70s में वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड थी। सजेस्टिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हिप्नोटिज्म काम करता है, और तुम मेरे जैसे इंसान को कभी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। किसी को पागल बनाने के लिए यही इस्तेमाल करते हो ना? मुझे हिप्नोटाइज करने की सोच रहे हो?
क्या मुझे झपकी आ गई थी? सॉरी, मैंने बस ये साबित करने की कोशिश की कि यह काम करता है। लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारे तरीके पर विश्वास नहीं हुआ। अगर तुमने खुद को देखा होता तो विश्वास हो जाता। हाँ, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे टोटकों में फंस जाऊंगा। जब मैंने यहां कदम रखा तभी मुझे समझ में आ गया था कि यहां कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और वो मैं पता लगाऊंगा। श्योर, पहले थोड़ा खा पी लो। मैं यहां खाने पीने और आराम करने नहीं आया हूं। यहां की हर चीज मैं देखूंगा। क्यों, इजाजत है ना? नो प्रॉब्लम। रेणुका, प्लीज शो हिम अराउंड। चलिए सर। थैंक यू। डॉक्टर, अगर मुझे कुछ भी डाउट हुआ ना तो मैं रिपोर्ट करूंगा। एक मरीज, बस एक मरीज मेरे हाथ लग जाए ना, काफी होगा। ये याद रखना। सर, क्या मैं बैग पकड़ लूं?